हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस्माइल क्लासेस। तो फाइनली ये एक वीडियो है जो कि बैंगलोर जोन का ट्रेनिंग शेड्यूल के ऊपर है ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो बैंगलोर जोन का जो ट्रेनिंग शेड्यूल होने वाला है तो वो ये कब से स्टार्ट है और यहाँ पे किस बैच का किस हिसाब से ये बुला रहे हैं कि ये रैंक वाइज बुला रहे हैं। और क्योंकि अभी इन्होंने हर किसी का अभी ज्वाइनिंग लेटर तो दिया नहीं है। अब देखिए, बेसिकली जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, तो इन्होंने जो फर्स्ट पैनल आया था हम लोग का, जो फर्स्ट डीवी के अकॉर्डिंग हुआ था, 698 कैंडिडेट का, ठीक है। तो अभी तक जो जो लिस्ट यहाँ पे आई है, ठीक है, तो वहाँ पे लगभग 698 स्टूडेंट का यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल किया गया है। तो यहाँ पे टोटल कितने बैच बन रहे हैं और किसका कब ट्रेनिंग होगा और यहाँ पे किस बेसिस पे ये लोग बुला रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे इस वीडियो में वो डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे मैं पूरी आपको लिस्ट दिखाऊँगा कि किसकी कौन सी रैंक है और किस बेसिस पे बुला रहे हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है बैंगलोर का, तो वो स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ की जितनी भी अपडेट होंगी तो मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा आपका। और अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक जो कि यहाँ पे इमेज यहाँ पे वायरल हुई थी, ठीक है, जो कि हम लोग का जो शेड्यूल आया था, क्योंकि हम लोग का शेड्यूल अभी 2-3 दिन पहले ही आया हुआ है बैंगलोर डिवीज़न का, ठीक है। सबसे पहले मैसूर का आया था, उसके बाद बैंगलोर और फिर हुबली का आया हुआ है, जो कि मेल के थ्रू बता दिया गया। हालांकि मेरा बैंगलोर डिवीज़न अलॉट हुआ था तो मेरा भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और ट्रेनिंग शेड्यूल। तो मेरा जो, अब देखिए, ये जो पिक है, ये मेल आने से पहले ये वायरल हो गया था, तो उसमें ये शेड्यूल दिया गया था, ठीक है, जो कि 6 जनवरी से स्टार्ट है। तो अब जो हमारा जो मेल आया है उस पर भी वो 6 से ही स्टार्ट है, 6 जनवरी से स्टार्ट होगा बैच जो ट्रेनिंग का है, वो 24 अप्रैल तक ये चलेगा, जो कि इसमें भी यही मेंशन है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आगे की जो भी ट्रेनिंग बैच बनेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होने हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट बैच में इन्होंने टोटल कितने बैच, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 16 बैच आपको दिख रहे होंगे, 1 to 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो देखिए, ये जो 1 और 2 इनको एक साथ बुला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, टोटल जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे लगभग 150 स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए गए हैं टोटल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर टोटल मेंशन है 800, यानी 800 स्टूडेंट का यहाँ पे ये शेड्यूल दिया गया। लेकिन अभी मैं आपको एक और लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने सिर्फ 698 स्टूडेंट की वहाँ पे बात करी है, यानी जो फर्स्ट बैच हुआ था, फर्स्ट पैनल जो आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे 800 स्टूडेंट का यहाँ पे शेड्यूल दे दिया गया है। तो देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड, यानी इन दोनों को एक बैच में पूरा बुलाएंगे, जो कि 6 जनवरी से 24 अप्रैल तक चलना है, इसमें से 150 स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने लिए हैं। और फिर उसके बाद जो सेकंड स्टार्ट होगा वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 16 मई तक चलेगा, इसमें कितने लगभग 100 स्टूडेंट हैं। फिर जो इन्होंने बुलाया 5 और 6 बैच को एक साथ बुलाया है, जिसमें 150 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जिसका 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और ये अगस्त तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे 7 और 8 यहाँ पे बैच स्टार्ट होगा, इसको भी इसमें यहाँ पे 50 स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया गया है। इसके बाद यहाँ पे 9, 10 इसमें भी 150, मतलब ऐसे कर रहे हैं, पहले 150 फिर 50 फिर 150 फिर 50, इस तरह से यहाँ पे बुला रहे हैं। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो लास्ट बैच स्टार्ट होगा वो 27/12/2023 से लेके 17/4/2024 तक चलेगा। तो मतलब ये पूरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है ये 2024 तक जा रहा है। तो अब इसमें किस स्टूडेंट को किस बैच में भेजा जा रहा है, किस बेसिस पे भेजा जा रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, जो यहाँ पे एक रैंक लिस्ट निकली थी तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, उसी के बेसिस पे ये लोग हर एक स्टूडेंट को बैच में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे फर्स्ट बैच में बुलाया गया है, मतलब मेरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो 6 जनवरी से 24 अप्रैल तक शेड्यूल हुआ है ट्रेनिंग का। तो वो मैं आपको यहाँ पे रैंक लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप लोग उसमें आप अपना नाम भी देख सकते हो क्या आपकी रैंक है, और तो उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे शेड्यूल होगा। ये रैंक के सीक्वेंस ही चलेगा, मतलब 150 स्टूडेंट टॉप के टॉप रैंकर, फिर 50 उससे नीचे वाले, फिर 150 उससे नीचे वाले, इस तरह से ये शेड्यूल किया गया है। तो मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ पहले। तो देखिए, ये वो लिस्ट है जो कि यहाँ पे देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे से आया हुआ था ये। तो इसमें इन्होंने ये बताया गया है, जो भी इन्होंने ट्रेनिंग शेड्यूल किया है उसके हिसाब से यहाँ पे रैंक सबकी मेंशन कर दी गई है।
उससे पहले इन्होंने ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटली 698 स्टूडेंट का यहाँ पे इन्होंने बोला है, जिसमें कि 296 जो अनरिजर्व का है, और 111 SC है, 60 ST है, और 179 OBC है, EWS 52 स्टूडेंट यहाँ पे टोटल हैं। बाकी इन्होंने डिवीज़न वाइज भी बता दिया है कि हुबली में कितना है और मैसूर में, बेंगलोर में कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हर किसी का यहाँ पे जो ये रैंक लिस्ट दे दी गई है, ठीक है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे ये देखिए, ये सीरियल नंबर, RRB नंबर यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे सभी का रोल नंबर है, DOB है, और यहाँ पे जो भी कम्युनिटी है और यहाँ पे किस कम्युनिटी से ये सेलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पे दिया गया, ये मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया। और यहाँ पे आप अपना डिवीज़न भी जान सकते हो, जैसे बहुत लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं किया गया है, लेकिन उनका यहाँ पे हर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे डिवीज़न इन्होंने यहाँ पे बता दिया गया। तो आप इस लिस्ट में यहाँ पे अपनी रैंक, डिवीज़न सब कुछ यहाँ पे जान सकते हो। तो मैं यहाँ पे सारे पेजेस को शो कर देता हूँ, तो आप अगर अभी तक अगर इस लिस्ट को नहीं देख पाए हो तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से अपना नाम वगैरह देख सकते हो कि आपका इस लिस्ट में नाम है कि नहीं। आपको यहाँ पे अगर डिवीज़न अभी तक नहीं पता चला तो आप इससे अपना डिवीज़न भी देख सकते हो। तो इसी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी को बुला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें जो टॉप 150 स्टूडेंट होंगे तो इनको अभी फर्स्ट बैच में, यानी जो 6 जनवरी से 24 अप्रैल तक चलेगा, उसमें उनको बुलाया गया है। तो आप देखिए, ये सारे मैं पेज आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या, ये सारा शेड्यूल यहाँ पे कर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग ये बैच बनाते जाएंगे और यहाँ पे स्टूडेंट को बुलाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे 12 पेज है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 698 स्टूडेंट का यहाँ पे दिया गया। उससे पहले अभी हमने एक अभी आपको पिक दिखाया था, उसमें 800 स्टूडेंट का यहाँ पे शेड्यूल किया गया था। लेकिन यहाँ पे भी मेनली ये जो रैंक लिस्ट निकाली गई है, ये बेसिकली जो फर्स्ट पैनल आया था हम लोगों का, फर्स्ट पैनल उसका ही दिया गया, क्योंकि अभी सेकेंड पैनल वाले की कोई भी बात नहीं करी गई है अभी इसमें। तो अब इसमें इसी के बेसिस पे ये लोग बुला रहे हैं। अब एक और लिस्ट आई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक ये लिस्ट आई थी जो कि ये 22/12/2022 को आया हुआ था। तो अब देखिए, यहाँ पे भी वही शेड्यूल बेसिकली बताया गया जो कि पहले वायरल हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड दो बैच का एक में मर्ज करके ये 6 जनवरी से 24 अप्रैल तक ये होगा, और इसके नीचे ये सारे बैचेस सारे बता दिए गए हैं। और इसके नीचे बाद में इन्होंने ट्रेनिंग का शेड्यूल भी दिया गया कि वहाँ पे क्लासेस किस हिसाब से वहाँ पे होंगी। हम लोगों की ट्रेनिंग जो होगी वो धारवाड़ में होगी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या शेड्यूल दिया गया। देखिए, 9:45 से 9:55 प्रेयर होगा। फर्स्ट सेशन जो होगा वो 9:55 से 10:55 होगा। सेकंड, फिर इसके बाद टी टाइम होगा 10:55 से 11:10। सेकंड सेशन जो होगा वो 11:10 से 12:10। और थर्ड सेशन फिर 12:10 से 13:10, यानी 1:10 तक होगा। फिर लंच ब्रेक होगा 1:10 से 2:10 तक, यानी 1 घंटे का यहाँ पे लंच ब्रेक होगा। फिर फोर्थ सेशन होगा, फिर टी टाइम, फिर फिफ्थ सेशन। तो यहाँ पे ये 9:45 से स्टार्ट होगा और ये टोटल ये ख़त्म होगा जाके 7:15 तक। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल जो है ये मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल दिया गया। सैटरडे का एक अलग शेड्यूल है यहाँ पे। तो सैटरडे को यहाँ पे लगभग ये 8:45 से चलेगा, ठीक है, और ये 12:15 तक यहाँ पे छुट्टी हो जाएगी, यानी हाफ टाइम कह लेते हैं सैटरडे को, और संडे को ये बंद रहेगा। तो ये शेड्यूल यहाँ पे दे दिया गया सारा। तो इसी के अकॉर्डिंग सभी का यहाँ पे कराया जाएगा ट्रेनिंग। तो अब आप यहाँ पे आप अपना लिस्ट में नाम देख सकते हो, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि आपकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी। मैं अब अपना बता देता हूँ। देखिए, मुझे जो बेंगलोर डिवीज़न अलॉट हुआ था, ठीक है, और मेरा जो फर्स्ट बैच में यहाँ पे आ चुका है, मेरा मेल आ चुका है ट्रेनिंग का। तो हम लोगों को 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को रिपोर्ट करने को बोला है DRM ऑफिस में, जहाँ हम लोगों का डिवीज़नल DV हुआ था वहीं पे। उसके बाद 6 से हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट है। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि मेरी रैंक क्या रही है, बेसिकली बेंगलोर जोन में क्या रैंक मेरी रही है, और बेंगलोर डिवीज़न में मेरी क्या रैंक रही है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। अगर आपको अभी भी इस वीडियो से कोई रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।